गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, तुम लोग को आज हम 1.4 का वन नंबर सम समझा रहे हैं। ये तुम लोग ऑलरेडी क्लास 4 में भी किए हो, क्लास 5 में भी किए हो, फिर भी ये हम जस्ट तुम लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको एक्चुअली बोलते हैं राउंडेड ऑफ या सन्निकटतम मान, ठीक है। अब उसको करते कैसे हैं, जबकि अगर कोई संख्या में पहला मतलब इकाई संख्या अगर बोलेगा, देखो यहाँ बोला जैसे दहाई तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटतम मान ज्ञात करो, दहाई बोला है, इसीलिए जो है इस दहाई के हिसाब से नियम क्या होता है कि अगर इकाई के स्थान पर जो संख्या रहता है वो अगर 1 से लेकर 5 के नीचे मतलब 4 तक संख्या रहे तो वो क्या होता है, वो 0 में बदल जाता है, और अगर 5 या 5 से अधिक रहता है इकाई के स्थान पर संख्या तो वो क्या होता है, वो उसमें इकाई या दहाई के स्थान पर 1 जुड़ जाता है। कैसे वो तुम लोग जो अगर समझाएंगे तो तुम लोग समझ जाओगे। देखो जैसे क्या यहाँ पर देखो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है। हम अभी क्या बोले थे कि इकाई के स्थान पर 1 से लेकर 4 माने 5 के नीचे का संख्या, 1 से लेकर 4 के बीच में अगर कोई संख्या रहता है तो क्या हो जाता है, वो 0 में बदल जाता है, और दहाई के स्थान पर जो संख्या है वो वैसे का वैसे ही रहता है। मगर अगर 4 के बाद माने 5 या 5 से अधिक कोई संख्या रहा इकाई के स्थान पर तो क्या हो जाता है, ये संख्या जो है मतलब इसमें 1 जुड़ जाता है, मतलब सॉरी इसमें नहीं, दहाई जो संख्या है उसमें 1 जुड़ जाता है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 7 है, मैंने क्या अभी हम बताए हैं 5 या 5 से अधिक, ये क्या हो जाएगा, हम ये जो दहाई का जो संख्या है उसमें 1 जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 97 का पूरा राउंड ऑफ हो जाएगा, पूरा का पूरा ये 100 हो जाएगा, ये रहा जस्ट 100। तो इसका दहाई तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटतम मान कितना हुआ, 100। फिर से हम रिपीट करें तुम लोग को, क्या इकाई के स्थान पर, इकाई मीन्स ये वाला संख्या, इकाई के स्थान पर अगर 1 से लेकर 4 तक का जो संख्या रहता है तब क्या हो जाता है, वो पूरा दहाई का स्थान जैसा है वैसे रहेगा, वो जो है पूरा 0 में बदल जाता है। अगर 5 या 5 से अधिक रहता है संख्या तो क्या हो जाता है, ये दहाई का स्थान में क्या होता है, वो 1 जुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर 1 जुड़ा, ये क्या पूरा राउंड ऑफ हो गया, कितना 100। अब देखो सेम इसी तरह से 5 नंबर बीच का जितना भी सम है तुम लोग खुद से कर पाओगे। अब हम 5 नंबर जो कि 1000 में है वो हम समझा रहे हैं। अब इसका दहाई संख्या हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका जैसे 27 है 27 का 27 ही उतर जाएगा, ये दोनों संख्या में देखेंगे कि देखो यहाँ पर 5 है, हम क्या पहले ही समझाए क्या कि इकाई के स्थान पर जो संख्या रहता है वो अगर 1 से 4 के अंदर संख्या रहता है तो वो 0 में बदल जाता है, अन्यथा क्या हो जाता है, अगर 5 या 5 से अधिक संख्या हो तो क्या होता है, ये जो दहाई अंक, दहाई के अंक जो रहता है, दहाई के स्थान पर जो अंक रहता है उसमें 1 जुड़ जाता है। यहाँ देखो इकाई के स्थान पर कितना है, 5, हम पहले ही बोले 5 या 5 से अधिक, तो 5 है, इसका मतलब क्या, दहाई के स्थान पर जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, उसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, मैंने कहा 2 का क्या, यहाँ 25 है तो कितना राउंड ऑफ हो जाएगा, 30। क्यों 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है। तो लिखेंगे कैसे, पहले का जो संख्या है वो ऐसे का वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा ये 30, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या, फिर से हम रिपीट करते रहे तुम लोग को, अगर दहाई का स्थान का अंक मान बोलेगा, दहाई तक का प्रत्येक संख्या सन्निकटतम मान बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला तो हम लोग इकाई के स्थान पर जो संख्या रहेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, क्या वो पहला जो इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो 1 से 4 के अंदर है या 5 या 5 से अधिक है। अगर 1 से 4 के अंदर रहा तो क्या हो जाता है, वो पूरा जो 0 में बदल जाता है, और दहाई अंक का जो संख्या रहता है वो सेम टू सेम वैसे ही बैठता है। या फिर अगर इकाई के स्थान पर अगर 5 या 5 से अधिक हो संख्या तो क्या हो जाता है, वो संख्या जो है वो पूरा 1 संख्या जो है दहाई के स्थान पर जो अंक रहता है उसमें 1 जुड़ जाता है, जुड़ कर वो राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक से नोट कर लो।